सोचो, अगर आज डायनासोर इस धरती पर होते तो मानवता का क्या होता? मानवता का विनाश होता। लेकिन आज डायनासोर नहीं है, यह भी प्रकृति का एक नियम है। आज डायनासोर के जीवाश्म और उनके अंडे धरती पर समय समय पर निकलते रहते हैं, जगह जगह मिलते रहते हैं, जो कि शोध का विषय है। और भारत में भी डायनासोर हुआ करते थे, इसका सबूत आज आपको मैं देने जा रहा हूँ। भारत में मिला डायनासोर का अंडा, बल्कि बहुत सारे अंडे भी मिले हैं, आइए देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नंबर news.com। मैं हूँ नितिन अपलोडर, नितिन चौरसिया। यहाँ पर मैं आपको डायनासोर का अंडा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये डायनासोर का अंडा है जो कि 6.5 करोड़ साल पुराना है। और ये फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है मंडला जिले से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, कुछ ही किलोमीटर है। और यह डायनासोर का अंडा, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इस वक्त डायनासोर का अंडा आपको दिखा रहा हूँ और वह मेरे हाथ में है। मैं डायनासोर का अंडा छू सकता हूँ, मैं ऐसे जो है आप देख सकते हो, मैं ऐसे उठा नहीं पा रहा हूँ। यह बहुत भारी है और यह पत्थर नहीं है, यह डायनासोर का अंडा है। यह 6.5 करोड़ साल पुराना अंडा जो है खुदाई में मिला था, और खुदाई में जब यह प्राप्त हुआ, इसे म्यूजियम में रख दिया गया। और यह 6.5 करोड़ साल पहले फूटा नहीं था, यह दब गया था प्रलय में जमीन के अंदर और ये सूख के पत्थर बन गया। अगर यह उस समय फूट गया होता तो इससे एक छोटू डायनासोर पैदा होता और फिर बड़ा हो जाता। कितना बड़ा, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। और लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपने आज तक डायनासोर का अंडा देखा नहीं था, आप देख रहे हैं और वह मैं छू रहा हूँ। डायनासोर का अंडा इस वक्त मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको डायनासोर का अंडा दिखा दिया है। और यह डायनासोर का अंडा बहुत ही ज्यादा कीमती है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत करोड़ों में होती है, करोड़ों में। और यहाँ पे यह डायनासोर का अंडा आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और मैंने सोचा कि मैं यह वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूं और आप लोगों को दिखाऊं। और मैं इस डायनासोर के अंडे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही एक्साइटिंग महसूस कर रहा हूँ। आप कैसा कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि इस डायनासोर के अंडे का अगर कुछ किया जाता तो क्या होता, मतलब ऑमलेट ऑमलेट वगैरह बनता तो कितना बड़ा बनता, मतलब कितना बड़ा बनता। मैं ज़्यादा ऐसे छेड़ूंगा नहीं, कहीं ये गिर गया टूट गया तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं इसे अब नहीं छेड़ रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी छूना छेड़ना निषेध है, मना है, फिर भी मैंने छू दिया है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है इसको केयर से छुआ और पकड़ा, ताकि इसे नुकसान ना पहुँचे। यह करोड़ों की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अगर इसे आप भी साक्षात देखना चाहते हैं तो आप मुझसे एड्रेस ले सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और आपको एड्रेस भी दे दूंगा इस अंडे को देखने और निहारने का। धन्यवाद।